हेलो बच्चों, आशा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। ये प्रकाश जो आपके साइंस का चैप्टर 10 है, आज हम उसमें आगे पढ़ते हैं कि हमने देखा था कि गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का होता है और हम उस दर्पण के विभिन्न भागों के बारे में पिछले वीडियो में जाने थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी दर्पण में हम कहाँ पे वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। बिल्कुल, और इसको आप खुद भी देख सकते हैं। अगर ये मेरा दर्पण है, अवतल दर्पण की बात अगर हम करें तो हम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। तो इसको हम किसी भी गोलीय दर्पण को आगे पीछे करके हम वस्तु को देख सकते हैं। तो आइए हम इसके मुख्य मुख्य बिंदु पर हम बात करते हैं। सबसे पहला जो है कि अगर हम अनंत पर किसी वस्तु को रखें, यानी दूर से कोई वस्तु का हमको प्रतिबिंब देखना है, तो अवतल दर्पण में अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और इसका किरण आरेख ये है, अनंत पर है वस्तु और वो टकराया किरण और लौट के फोकस पर मिल गया। जिस बिंदु पर दो किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो पहले में हम क्या देखें, अनंत पे वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। और ये प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक भी था, उल्टा था और बहुत छोटा, एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा स्थिति है सी के परे, यानी सी और अनंत के बीच में। अगर हम सी के परे रखते हैं तो हम देखते हैं एक किरण आती है, टकराई और एप से होते लौट गई, दूसरी किरण सी से आई और सी से टकराकर लौट गई। ये दोनों किरण जिस बिंदु पर मिली उस बिंदु पर हम देखते हैं उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच में। अगर हम किसी भी दर्पण का आकार सही बनाए, उसका फोकस दूरी या फोकस दूरी से दुगना हम अगर हम केंद्र रखें तो आप देखेंगे कि आप खुद भी प्रकाश के किरण को आप उजाड़ के देखेंगे और जहां पर कटते हुए नजर आए आप समझ जाइए कि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। सीधा या उल्टा ये भी हम किरण आरेख से पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ बन रहा है तो ये क्या उल्टा प्रतिबिंब बना। तीसरा स्थिति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम सी पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो सी पर ही बनता है और बराबर। यही एक स्थिति है कि वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर बनता है, और नहीं तो गोलीय दर्पण में ये स्थिति नहीं आती है। हमने समतल दर्पण में देखा था कि समतल दर्पण में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण में सी एक ऐसा बिंदु है जहां पर प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप 15 से 30 हो जाएगा, तो अगर 15 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने आप प्रतिबिंब को रखना चाहिए जहां पर आपको बराबर आकार का प्रतिबिंब चाहिए तो आपको 30 सेंटीमीटर पर रखने पर हमारा प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो उसका किरण आरेख ये। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सी और एफ के बीच में। अगर सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखते हैं तो एक किरण टकराकर एफ से लौटी और दूसरी किरण सी से गई और सी से लौटी। ये किरणों को हम आगे मिलाते हैं तो ये हमारा सी के परे प्रतिबिंब का निर्माण होता है और अब प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? बड़ा बनने लगता है। आप देखिए अनंत पे सबसे छोटा, धीरे धीरे बढ़ते गया, सी पर समान आकार का। अब सी के बाद जो है प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है, यानी हम जैसे जैसे दूर से वस्तु को नजदीक ला रहे हैं प्रतिबिंब हमारा छोटा से बड़ा होते जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप है अगर एफ पर हम अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बनता है और बहुत बड़ा और वास्तविक। तो आप देख रहे हैं एफ और अनंत ये यहाँ से यहाँ उल्टा होता है,
अगर अनंत पे वस्तु को रखे तो फोकस पे प्रतिबिंब बना, और फोकस पे वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब अनंत पे बना। अब हम एक विशेष स्थिति को लेते हैं जहां एकमात्र स्थिति है जहां सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वो है कि अगर हम फोकस और पी ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के पीछे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है जो कि आभासी भी होता है और सीधा भी होता है। तो हम देखें कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का क्या क्या गुण है, यानी जब हम अवतल दर्पण के सामने अपना चेहरा या किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसका साइज छोटा से, प्रतिबिंब का आकार छोटा से बड़ा होते चला जाता है, यानी दर्पण के सामने आप जैसे जैसे अपना चेहरा लाएंगे प्रतिबिंब बड़ा होता है। अब बात है कि हम समतल दर्पण का उपयोग तो अपना चेहरा देखने में करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? तो अवतल दर्पण का उपयोग है, हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने हमारा बड़ा चेहरा नजर आता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग दांत के डॉक्टर इसलिए करते हैं ताकि उसको मुंह बड़ा दिखे, दांत बड़ा दिखे और उसके दांत की जो समस्या है उसका वो निदान कर सके। तो पहला उपयोग ये है। दूसरा उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में लोग करते हैं क्योंकि उसको बड़ा चेहरा दिख सके। तीसरा उपयोग सौर भट्टी में, चूंकि अवतल दर्पण को हमने क्या देखा, प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्र कर देता है, तो इसका उपयोग सौर भट्टी में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, क्योंकि वो प्रकाश को फैला देता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा है कि ये वीडियो की जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।